हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको अनिवार्य संस्कृत जो कि मंजरी में ही पीछे दिया हुआ है, पेज नंबर 117, काक श्रृंगालयो कथा। इस पाठ का ये मंजरी पुस्तक है आपकी, और ये अनिवार्य संस्कृत का काक श्रृंगालयो कथा। इस पाठ का मैं अर्थ आपको बताऊंगी, और इसके बाद आप इसमें शब्दार्थ लिखेंगे और प्रश्नोत्तर। एक बार एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत। पहले मैं पूरा चैप्टर संस्कृत में ही रीड करूंगी, फिर एक एक का अर्थ बताऊंगी। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत्। सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्, तां रोटिकां खादितुं च अचिन्त्यत्। तदैव श्रृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्त्यत्। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। चलिए पहले इसका अर्थ बताते हैं। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। एकदा मीन्स एक बार, काकः मीन्स कौवा, बुभुक्षित मतलब भूखा। एक बार एक कौवा भूखा था। आसीत मीन्स था। एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, प्राप्तुं मीन्स प्राप्त करने के लिए, अभ्रमत मतलब घूमा। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत। भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूमा। सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। सहसा मीन्स अचानक। उसे सह मीन्स वह, तो यहाँ उसे होगा। सहसा मतलब अचानक। उसे एकाम मतलब एक, रोटिकाम मीन्स रोटी, प्राप्तवान मतलब प्राप्त हुई। सहसा सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। सहसा उसे एक रोटी प्राप्त हुई। सह एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। वह एकस्य मतलब एक, वृक्षस्य मतलब वृक्ष यानी पेड़, शाखा मीन्स टहनी, उपरि मतलब के ऊपर, उपाविशत मतलब बैठा। सह एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। वह एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा। ताम रोटिकाम खादितुम च अचिन्त्यत। च मीन्स और उस रोटी खाने के लिए अचिन्त्यत मीन्स सोच लगा। ताम रोटिकाम खादितुम च अचिन्त्यत। और वह उस रोटी को खाने के लिए सोचने लगा। तदैव मतलब उसी समय, तदैव एका श्रृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। उस समय ही यानी उसी समय एक सियारिन ने कौवे को और रोटी को देखा। काकः रोटिकां च अपश्यत्, कौवा और रोटी को देखा। तदैव उसी समय एकां श्रृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। उसी समय एक सियारिन ने कौवे और रोटी को देखा।
सातां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्त्यत। उस रोटी को लेने के लिए विचार किया। सातां उसने उस रोटी को प्राप्त करने के लिए मनसि मतलब मन में विचार किया। सातस्थय वृक्षस्य अधः अतिष्ठत यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई जिसके ऊपर कौवा बैठा था। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुं मनस अचिन्त्यत। उसने उस रोटी को प्राप्त करने का मन में विचार किया। सा तस्य वृक्षस्य अधः अतिष्ठत यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई जिस वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा था। श्रीगाली काकम अवदत। सियारी ने कौवे से कहा, भो काक तुम अतीव सुंदर आसीत। हे कौवे, तुम अत्यंत सुंदर हो। अतीव मीन्स अत्यंत। तव वर्ण मोहक आसीत। तुम्हारा वर्ण यानी रंग मोहक है। वर्ण मीन्स रंग। तव वर्ण मोहक आसीत। तुम्हारा रंग मोहक है। तव पक्षौ मनोहरो अस्तः। तुम्हारी दो कह रहे हैं, तव पक्षौ मनोहरो अस्तः और तुम्हारे दोनों पंख मनोहर हैं। तव ध्वनि है अतीव मधुर अस्ति। तुम्हारी बोली अति मधुर है। तव ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवतः। तुम्हारी ध्वनि मीन्स आवाज सुनकर मम कर्णो मतलब मेरे कान तृप्त हो गए। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को। श्रीगाली का कह अवदत। सियारिन ने कौवे से कहा, भो काक अरे कौवे, तुम अतीव सुंदर आसे। तुम अत्यंत सुंदर हो। तव वर्ण मोहक अस्ति। तुम्हारा रंग मोहक है। तव पक्षौ मनोहरो अस्तः। तुम्हारे दोनों पंख मनोहर हैं। तव ध्वनि अतीव मधुर अस्ति। तुम्हारी आवाज अति मधुर है। तव ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवतः। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला तीसरा पैराग्राफ। स्व मतलब अपनी प्रशंसा, प्रशंसा मतलब बड़ाई, अपनी प्रशंसा। श्रुत्वा मतलब सुनकर, काकः मतलब कौवा अति प्रसन्न अभवत। अति प्रसन्न मतलब अत्यधिक प्रसन्न अभवत मीन्स हुआ। स्व प्रशंसा श्रुत्वा काकः अति प्रसन्न आसीत। अपनी प्रशंसा मतलब बड़ाई, अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यधिक प्रसन्न काव काव इति ध्वनिम कर्तुम आरभत। तदा तस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत। यदैव सह उसने जैसे ही काव काव इति ध्वनि कर्तुम काव काव की आवाज आरंभ किया, आरभत
आरंभ किया तदा तस्य मुखात रोटिका भूमौ मतलब जमीन पे अपतत गिर पड़ी। फिर से स्वप्रशंसा श्रुत्वा काकः अति प्रसन्नः अभवत। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा अति प्रसन्न हुआ। तदैव सह काँव काँव इति ध्वनि कर तुम आरभत। उसने जैसे ही काँव काँव की ध्वनि करना आरंभ किया तदा तस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत। उसी समय उसके मुख से रोटी जमीन पर भूमि पर गिर पड़ी। एतदर्थम एव श्रीगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत। इसके लिए ही श्रीगाली उसकी प्रशंसा की थी, मतलब रोटी ही प्राप्त करने के लिए उसने कौवे की प्रशंसा की थी। एतदर्थम एव श्रीगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत। इसी के लिए यानी इसके लिए ही सियारी ने उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रम एव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानां पलायिता अखादत् च। शीघ्र ही रोटी खा के और उसने उस स्थान से भाग गई। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये है शब्दार्थ। इसके बाद शब्दार्थ आप कर लीजिएगा। शब्दार्थ है एकदा मीन्स एक बार, बुभुक्षित मतलब भूखा, इतस्तत इधर उधर, सहसा मीन्स अचानक, शाखाया मतलब डाल के, ऊपरी मीन्स ऊपर, उपाविशत बैठ गई। श्रीगाली मतलब सियारिन यानी लोमड़ी, प्राप्तु मीन्स प्राप्त करने के लिए, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, पलायिता मीन्स भाग गई। इसके बाद ये आपके एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज में आपका प्रश्न उत्तर है, कह बुभुक्षितः आसीत, तो कौन भूखा था? कौवा। सहसा काकः किम प्राप्तवान, अचानक कौवे को क्या प्राप्त हुआ? रोटी। श्रीगाली किम प्राप्त मनसि अचिंत्यत, श्रीगाली क्या पाने के लिए मन में चिंतन किया? रोटिकाम। कस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत, किसके मुँह से रोटी गिर गई, जो मुख से रोटी गिर जमीन पर गिर पड़ गई थी? काकस्य। नेक्स्ट है रिक्त स्थान, इन सब का PDF मैं भेज दूंगी। एकह काकह डैश आसीत, तो एकह काकह बुभुक्षितः आसीत। खह स इतस्ततः अभ्रमत। गह स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकह डैश में भरेंगे अति प्रसन्नः अभवत। घ है एतदर्थमेव श्रीगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत, मतलब वह प्रशंसा कर रही थी। सा रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता। इसके बाद आपका संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद दिया है, इसका संधि आपको करना है। 6 नंबर पे आपका संस्कृत में अनुवाद करना है। अब चलिए हम आपको PDF भेज देते हैं। ये है, एक पद में उत्तर देना है, कह बुभुक्षितः आसीत काकः, सहसा काकः किम प्राप्तवान? रोटिका। श्रीगाले किम प्राप्तु मनसि अचिंत्यत? रोटिकाम। कस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत? काकस्य। ये तीसरा है रिक्त स्थान, एकः काकः बुभुक्षितः आसीत, सः इतस्ततः भ्रमतः, स्वप्रशंसा श्रुत्वा काकः अति प्रसन्नः अभवत्। एतदर्थमेव श्रीगाली तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सा रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता। फिर ये पांचवा है, संधि विच्छेद दिया है, इसको मिलाकर लिखना है, काकम काकम प्लस अवदत, मिलकर संधि इसकी होगी काकम वदत। फिर इसमें दिया है तद प्लस उपरी, मतलब संधि इसकी होगी तदोपरी।
एतद प्लस अर्थमेव एतदर्थमेव प्रशंसाम अकरोत प्रशंसाम करोतम। ठीक है, ये संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको मिलाकर पद को लिखना था। छठा है अनुवाद, का एक एक कौवा भूखा था तो काका बुभुक्षितः आसीत। एकः काका बुभुक्षितः आसीत, उसने एक रोटी पाई, एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था, वृक्षस्य शाखाया उपरि उपविशत। काका है शब्द लगा दीजिएगा, जैसे पहला है एक कौवा भूखा था तो एकः काका बुभुक्षितः आसीत, उसने एक रोटी पाई, स एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। ठीक है, इस तरह से आपको बुक से मिला के कर लेना है। उसने एक रोटी पाई तो स एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था, काका वृक्षस्य शाखायाम उपरि उपाविशत। श्रीगाली बोली, तुम बहुत सुंदर हो। श्रीगाली अवदत् त्वम अतीव सुंदर आसीत। ये कर लीजिएगा, ये आंसर दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।